हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक टच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उस मेडिसिन का नाम है थूजा ऑक्सीडेंटल्स। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, या फिर ये किस किस रोग या फिर किस किस बीमारी में काम आता है, या फिर इसे खाने के क्या क्या तरीके होते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम लोग जिस मेडिसिन के बारे में यानी कि जिस दवा के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटल्स। दोस्तों, इसका पावर रहेगा 30 और 200। इसके बारे में यह कहा गया है कि कनाडा के जंगलों में उगने वाले एक पेड़ के पत्तों से यह औषधि तैयार की जाती है। सुजाक को एलोपैथिक औषधियों से दबा दिए जाने पर दमा, गठिया, बात रोग, पैरों के तलवों में दर्द, साइटिका, अंजीर या फूल गोभी की तरह के मस्से, ट्यूमर वगैरह बीमारियां हो जाने पर थूजा से लाभ होता है। इस औषधि यानी कि इस मेडिसिन के रोगी का चेहरा चमकदार होता है, ऐसा लगता है मानो उसके चेहरे पर तेल लगाया गया हो। यह औषधि यानी कि यह मेडिसिन त्वचा रोग में काम आता है, जैसे कि भैंसिया दाद, कार्बकल, विसर्प, मस्से दाद, पित्ती, छाजन, जनची, तिल। इसमें कुछ त्वचा संबंधित विशिष्ट लक्षण भी हैं, जैसे कि त्वचा गंदी दिखती है, जगह जगह पर सफ़ेद या भूरे धब्बे, मस्से कटे फटे गोभी की फूल की तरह, अंजीर की तरह लटकने वाले, धीरे धीरे बढ़ने वाले मस्से शरीर के कई हिस्सों में, गर्दन, चेहरा, कमर, उंगलियों, थोड़ी, पैर, अंगूठा, जननेंद्रिय, गुदा के आसपास, खुजली शाम और रात में, बिना उद्भेदों के खुजली होती है, पसीने वाले हिस्सों पर खुजली ज़्यादा होती है, खुजाने से खुजली में आराम मिलता है, नाखून टेढ़े मेढ़े, भंगुर, कोमल, सिर्फ शरीर के ढके हुए भागों पर उद्भेद जो खुजाने के बाद बढ़ जाते हैं, हाथ और बाहों पर कत्थई रंग के धब्बे। इसमें कुछ मानसिक लक्षण भी होते हैं, जैसे कि रोगी चिड़चिड़ा, असंतोषी, ईर्ष्यालु, जिद्दी, झगड़ालू, गोपनशील, स्वार्थी, कपटी, चालाकी से काम निकालने वाला होता है। रोगी बहुत ही चालबाज, जालसाज, धोखेबाज होता है। चालाकी, छल कपट, झूठ, बहानेबाजी से अपना काम करवा लेता है, अपने इरादों का किसी को पता नहीं चलने देता, गद्दारी, धोखाधड़ी के लिए उसे कभी पछतावा नहीं होता, झगड़ालू होता है, मामूली सा विरोध सहन नहीं कर सकता। इसमें कुछ व्यापक लक्षण भी हैं, जैसे कि प्रकृति, रोगी शीत प्रकृति का होता है, तर मौसम में उसकी तकलीफें बढ़ती हैं, पसीना शरीर के खुले हिस्सों पर ही आता है, ढके हुए हिस्से सूखे ही रहते हैं, लेकिन सिर जो खुला होता है पर पसीना नहीं आता है, पसीना सिर्फ सोते समय ही आता है और जैसे ही नींद से जागता है पसीना फिर से सूख जाता है, पसीने से लहसुन की गंध आती है, नाखून नाजुक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं और अंगूठे में धंस जाते हैं, दांतों की जड़ें नष्ट हो जाती हैं लेकिन ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ठीक रहता है, रोगी को ऊंची जगह से नीचे गिरने के सपने आते हैं, महिलाओं की सभी तकलीफें मानसिक धर्म के दिनों में बढ़ जाती हैं। इसकी शक्ति है यानी कि पावर है 30 और 200, यानी कि 30 और 200, और इससे ऊंची शक्तियाँ भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे, यानी कि आपको इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी।
दोस्तों आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि ये मेडिसिन किस चीज़ से बनता है, लेकिन अगर उसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप इस मेडिसिन को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और रही बात इस दवा को कैसे खाया जाए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोगों को पास जाएगा उतने लोगों को इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा और भी कई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो मैंने उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।